हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और हैप्पी होंगे और रेगुलर कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब आपका सेमेस्टर चल रहा है तो थोड़े दिन में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आपको सिलेबस भी कवर करना है जल्द ही। तो आप रेगुलर और कंटिन्यू रहेंगे हमारे साथ तो आपका सिलेबस भी जल्द ही कवर हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस। इसकी यूनिट हमारी थर्ड स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट थर्ड में हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के उस लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, मोहर्स मेथड। देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इसके अंदर, वोलार्स मेथड, मॉडिफाइड वोलार्स मेथड, फजान्स मेथड। सभी मेथड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम। आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं हम मोहर्स मेथड। अब ये जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली किस पे बेस्ड होंगे? ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पे, मतलब कि AgNO3 का बेसिकली यूज होगा एज ए प्रेसिपिटेंट। तो इसमें सेम री जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या क्या होता है, वो उसी प्रिंसिपल पे ये सब कुछ, जो भी फजान्स मेथड है, वोलार्स मेथड है, वो बेस्ड होंगे। तो आ जाते हैं हम, ये यूनिट थर्ड का सेकेंड लेक्चर होगा मोहर्स मेथड। तो मोहर्स मेथड में दिस मेथड डिटरमाइन द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या क्या डिटरमाइन करेगा? क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय टाइट्रेशन विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हम इसके अंदर पता लगाते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे आगे, धीरे धीरे आगे आपको समझ आएगा। एज द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज स्लोली एडेड, हम टाइट्रेशन करवाएंगे ब्यूरेट के अंदर, हमारा AgNO3 फिल होगा, नीचे NaCl हम बेसिकली इसके अंदर यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड कोनिकल फ्लास्क में यूज करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे इंडिकेटर ऐड करके हम। एज द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज स्लोली एडेड, ए प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। अब सिल्वर क्लोराइड का डायरेक्ट फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि हम NaCl में इसको डाल रहे हैं तो वो बनेगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन अकर व्हेन ऑल द क्लोराइड आयन आर प्रिसिपिटेट। जब तक कि क्लोराइड, ऑल क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो क्लोराइड आयन, जब तक कंप्लीटली प्रिसिपिटेट नहीं हो जाते तब तक एंड पॉइंट हमारा दिखाई नहीं देता है। एंड पॉइंट जब ही आएगा जब कंप्लीट क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। प्रिंसिपल देख लेते हैं मोहर्स मेथड के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर टाइट्रेटेड करेंगे डायरेक्टली अगेंस्ट सोडियम क्लोराइड, मतलब कि ब्यूरेट के अंदर हमारा सिल्वर नाइट्रेट होगा और पिपेट के अंदर होगा सोडियम क्लोराइड, एंड फॉर्म वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और लास्ट में प्रिसिपिटेट मिलेगा किसका? सिल्वर क्लोराइड का विथ सोडियम नाइट्रेट हमारा अलग से निकल जाएगा। इसकी रिएक्शंस क्या होगी? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा किससे? NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट हमें मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट इसके साथ निकल जाएगा। आगे क्या है? क्लोराइड इज टाइट्रेटेड विथ सोडियम, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ए सोल्यूशन ऑफ क्रोमेट साल्ट इज, इसमें बेसिकली जो इंडिकेटर यूज होगा वो होगा यूज क्रोमेट साल्ट, सी के टू सी आर ओ फोर इज एडेड एज इंडिकेटर, दिस प्रोड्यूस येल्लो कलर ऑफ सोल्यूशन। येल्लो कलर सोल्यूशन हमें मिलेगा तब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, वेन द प्रिसिपिटेशन ऑफ द क्लोराइड आयन कंप्लीट। कब कब येल्लो कलर होगा? जब क्लोराइड आयन कंप्लीटली प्रिसिपिटेड हो जाएंगे। एट द एंड पॉइंट द फर्स्ट एक्सेस ऑफ एज एज ई रिएक्ट विद द इंडिकेटर, मतलब कि जब एंड पॉइंट होगा तो जो एजी है हमारा सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? इंडिकेटर के साथ, जिससे प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा किसका? सिल्वर क्रोमेट का, जिससे क्या होगा? सेकेंड जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब कि ये रिएक्शन देखिए, इसमें जो फर्स्ट हमारा कलर शो हो रहा है एजी का विथ क्रोमियन येल्लो कलर हमें शो होगा, लेकिन सेकेंड प्रिसिपिटेट जब फॉर्म होगा तो हमें रेड पीपीटी देखने को मिलेगी, वहां पर जाके हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो क्लोराइड आयन है उसका प्रिसिपिटेशन होता है, कंप्लीटली वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं तो हमें एंड पॉइंट शो हो जाता है। तो ये था मोहर्स मेथड
बेसिकली इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है आप सभी को पता होगा, SgNO3 यूज़ हुआ है, NaCl यूज़ हुआ है और क्रोमेट आयंस, बेसिकली इसके अंदर क्रोमेट साल्ट का इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया गया है और ये रिएक्शन कंप्लीट की गई है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आने वाले टाइम में हमारे चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ अपलोड होने वाला है, तो बस बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।